बोल। आज हम एमओटी लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेंगे, ठीक है? तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। रोहन, डायपोल मोमेंट कंप्लीट हो गया था, जस्ट वो वाला पार्ट बचा था परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही बताएंगे। रोहन, हमने वीडियो सॉल्यूशन शेयर किया है ग्रुप पर। वीडियो सॉल्यूशन जो है शेयर किया ग्रुप पर, रोहन देख लेना। अमोघ सर, एक डाउट था, एक कंपाउंड में अगर तीन एलिमेंट है तो उनका ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे, लाइक H2SO4। हाँ भव्य, पूरी बुकलेट का ही है एक्चुअली, गेट इक्विप टू जेई मेंस तक अपलोड किया है, बाकी भी अपलोड कर दूंगा मैं। रोहन, वीडियो सॉल्यूशन देखा तुमने? फिर भी समझ नहीं आया। हमारा एक डाउट लेक्चर भी है ना, उस दिन कर लेंगे, अगर नहीं आया समझ में तो डाउट लेक्चर इस वीक में उस दिन कर लेंगे, ठीक है?
बाकी वीडियो सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पर, वो देख लो। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आज एमओटी कराने वाला है, जैसा मैंने पहले ही बताया है। यस रिया, एफबीओ वाला पार्ट है, गेट इक्विप्ड टू जेई मेन वाला पार्ट अपलोडेड है, मैं बाकी भी अपलोड कर दूंगा। अमोग, एक कंपाउंड में अगर हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट है, एसओ फोर टू नेगेटिव का बताया ना अमोग मैंने, हाइब्रिडाइजेशन, एसओ फोर टू नेगेटिव का जो हाइब्रिडाइजेशन बताया वही एच टू एसओ फोर का हाइब्रिडाइजेशन होगा। एच टू एसओ फोर का हाइब्रिडाइजेशन वही वाला होगा, बस वहां पर ओ नेगेटिव वाली जगह पर एच आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्या आगे? यस रोहन, वन लेक्चर है और वन डाउट लेक्चर है। सो एक डाउट लेक्चर के अलावा हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखने वाले हैं, उस एक्स्ट्रा लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट कराएंगे। तो टुडेज लेक्चर इज फॉर एमओटी अप्रैल टू जून बैचेस का। एमओटी बचा था, बाकी पार्ट हो गया था ना, अप्रैल टू जून बैच का एमओटी बचा हुआ था, बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह सब हो गया था। तो एमओटी आज हम करा रहे हैं, ठीक है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कराएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो किसी को अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट रिवाइज करना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में कर सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। ओके, ठीक है। यह समोग H2SO4 का टेट्राहेड्रल है। फॉर द टेस्ट वी स्टडी फॉर बुकलेट सर। यस राहिल, बुकलेट वाला बुकलेट कंप्लीट कर लो, टेस्ट के लिए इनफ है। ओके, बुकलेट कंप्लीट कर लो, इनफ रहेगा। ओके, एमओटी चालू कर दिया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम स्टार्टिंग से ही कराएंगे, चालू कर दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ बॉन्ड पैरामीटर वगैरह ले लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं एमओटी। तो बॉन्ड पैरामीटर्स, तो देखो बॉन्ड लेंथ पता है सभी को क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है। ओके, क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके एटम्स जो है उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। ओके, तो ये फिर किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन
फॉलोइंग फैक्टर्स तो देखो एक तो है साइज ऑफ एटम, तो एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा। ओके जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। जैसे अगर हम कंपेयर करें यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जैसे अगर हम कंपेयर करें HF HCl HBr HI इन सब में अगर हम कंपेयर करें तो फ्लोरीन से बड़ा, देखो सभी में हाइड्रोजन तो कॉमन है ना, तो कंपेयर करेंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन को, तो फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है उनका ऑर्डर यहां पर ये हो जाएगा, HF से बड़ा HCl, HCl से बड़ा HBr, HBr से बड़ा HI। क्लियर है सभी को? ओके तो एक तो था साइज ऑफ एटम, उस पर डिपेंड करेगा ये, लिख लिया सबने, आगे चलें। ठीक है, सो बॉन्ड लेंथ जो है फर्स्ट पैरामीटर हम ले रहे हैं, और ये डिपेंड करता है किस पर, बॉन्ड लेंथ जो है डिपेंड करता है साइज पर, इसके अलावा दूसरा फैक्टर उस पर भी डिपेंड करेगा। यस सर, यस बोलो क्या बोलना चाहते हो। हाँ रजत 25 जुलाई वाले, ये सभी सभी का कंटिन्यूएशन है, टुडेज लेक्चर इज कंटिन्यूएशन फॉर ऑल। आरेश तुम क्या बोल रहे हो, कुछ डाउट है तुम्हें? यस दिस इज आफ्टर डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के बाद में वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने वाले थे, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। यस दिस इज फर्स्ट स्लाइड, हो गया सबका? चले आगे। सम्यक बुकलेट डिस्कशन वैसे होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने बुकलेट के जो सॉल्यूशन है वो अपलोड कर दिए हैं, वीडियो सॉल्यूशन, एंड यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, उसका लिंक भी शेयर कर दिया है, तो वो देख लेना एक बार। स्टिल अगर देखने के बाद भी डाउट होता है तो हमारा इस वीक एक डाउट लेक्चर है, उस दिन वो डाउट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन डाउट लेक्चर क्या अपना 2 घंटे का है, तो 2 घंटे में कितने डाउट्स हो पाएंगे जरूर नहीं, इसलिए पहले वीडियो सॉल्यूशन देख लें। वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर तुम्हें डाउट आता है देन हम वो डिस्कस कर लेंगे उस दिन। हो गया सबका, चले आगे। हाँ वीडियो में सारे सम्स हैं, मैंने एक्चुअली 2-3 वाला मतलब गेट इक्विप टू जेई मेंस तक मैंने अपलोड किया है, विंडोज टू जेई मेन वाला पार्ट जो है वो बचा हुआ है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। एक्स्ट्रा लेक्चर होगा तो कैसे पता चलेगा नितिन? तुम दूसरे ग्रुप पर होना, 7th ये एडवांस वाले ग्रुप पर होना तुम नितिन, तो मैं एडवांस वाले ग्रुप के साथ ही वो लेने वाला हूं, एडवांस वालों के साथ ही वो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, हाँ तन्वी मैं वो वीडियो फिर से एक बार सेंड कर दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा वीडियो का। ठीक है चलो आगे चलते हैं, मैं बीच बीच में शेयर करता रहता हूँ ग्रुप पर, देख लेना 2-3 दिन पहले ही शेयर किया होगा, फिर से एक बार मैं शेयर कर दूंगा। नाउ आगे चलते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर जो था वो था साइज ऑफ एटम, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड।
मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, जिसे हम बॉन्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। तो बेसिकली ये क्या होता है? ये होता है कितने बॉन्ड हैं। ओके, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पर थ्री है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ओ डबल बॉन्ड, ओ में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? टू है। सीएल सिंगल बॉन्ड, सीएल में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? वन है। समझ आया? तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं वो क्या हो जाता है? बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। तो देखो ऐसा है कि ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अब जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, ठीक है, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगा। तो अगर हम यहां पर कंपेयर करें बॉन्ड लेंथ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ, सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ एंड सी सिंगल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ, ठीक है, अगर हम ये कंपेयर करें, तो बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? अगर हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? सी सिंगल बॉन्ड सी का। मैंने क्या बोला कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ, है ना? तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसमें? फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है तो उसका सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा। ओके, तो अपने पास बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो ये रहेगा, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा, उससे कम डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ हो गया। समझ आया कि नहीं आया? ओके, क्लियर है सभी को? तो बॉन्ड लेंथ जो है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर पर कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसके अलावा दूसरा किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था? साइज ऑफ एटम पे डिपेंड कर रहा था। बड़ा साइज है एटम का तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है। हो गया सबका? चले आगे। यस रजत, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ जो है बॉन्ड ऑर्डर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा बॉन्ड हो जाएंगे उतना ही कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। चले आगे, सबका हो गया? ठीक है, रफ करें। मर्विन, जो तुम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बता रहे हो वो बाद में देखेंगे, वो एमओटी को यूज करके आएगा। अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि कितने बॉन्ड्स होते हैं, मतलब सिंपल मीनिंग क्या है बॉन्ड ऑर्डर का वो बता रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, चले आगे। तो ये फर्स्ट वाला था बॉन्ड लेंथ बॉन्ड पैरामीटर में। नाउ नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर हम लेंगे यहां पर बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जो है यह है एनर्जी रिक्वायर्ड
टू ब्रेक वन मोल ऑफ गैसियस बॉन्ड, वन मोल ऑफ बॉन्ड लिख दो अभी गैसियस, बाद में प्रॉपर डेफिनेशन बाद में तुम्हें पता चलेगी थर्मोडायनेमिक्स में, जस्ट अभी हम देख लेते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो बेसिकली बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ओके, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है बॉन्ड एनर्जी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, याद रखना, लार्जर द बॉन्ड एनर्जी जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है, ओके, तो लार्जर द बॉन्ड एनर्जी स्ट्रांगर विल बी द जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा उतना स्ट्रांग बॉन्ड होगा, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बेसिकली क्या हो गया, वन मोल ऑफ बॉन्ड मतलब कि जैसे मान लो हमारे पास Cl2 है ना, तो Cl2 का बॉन्ड एनर्जी क्या है, Cl2 के वन मोल एटम्स ले लो, ओके, तो Cl2 के वन मोल एटम्स अगर तुम सॉरी वन मोल मॉलिक्यूल अगर Cl2 को ले लोगे तो उसमें कितने मोल होंगे, कितने मोल बॉन्ड होंगे, देखो एक Cl2 में एक बॉन्ड है ना, एक Cl2 में एक बॉन्ड है, तो अगर तुमने Cl2 का वन मोल ले लिया तो वन मोल बॉन्ड होंगे कि नहीं होंगे, समझ आया कि नहीं आया, एक Cl2 में एक बॉन्ड, एक मोल Cl2 में एक मोल बॉन्ड, ओके, सो बेसिकली वो मॉलिक्यूल के हिसाब से ही है। अरे इट इज सेक, मतलब वैसे ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर भी हमारे पास एक बॉन्ड पैरामीटर आ गया था, बट बॉन्ड ऑर्डर हमने बॉन्ड लेंथ के अंदर ही लिया था, ठीक है, हम बॉन्ड लेंथ का फैक्टर में देख रहे थे ना बॉन्ड ऑर्डर को, तो सो दिस इज सेकंड फैक्टर, हाफ मोल ऑफ O2 हैज वन मोल बॉन्ड, नहीं 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 साकेत, हाफ मोल O2 में हाफ मोल बॉन्ड ही होंगे, हाफ मोल O2 जो है ना, हाफ मोल O2, तो O डबल बॉन्ड O है ना यार, O डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें कितने बॉन्ड होंगे, हाफ मोल ओ डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, समझाया, हाफ मोल ओ टू है तो उसमें कितने हैं, हाफ मोल ऑफ ओ डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, सो बेसिकली वही है कि हमारे पास मतलब वो यूनिट में काम आएगा, ज्यादा कुछ वैसा आएगा नहीं, वन मोल की जो हमने बात की वो यूनिट होती है जनरली उसकी, किलो जूल पर मोल ऐसे, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की। तो ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, तो बॉन्ड एनर्जी ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो सबसे फर्स्ट फैक्टर जो है वो है साइज ऑफ एटम, मतलब बॉन्ड लेंथ ही हो गया एक तरह से, तो साइज ऑफ एटम की अगर हम बात करेंगे तो जितना बड़ा साइज होगा उतना ही याद रखना कम बॉन्ड एनर्जी होगा, साइज अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम आएगा, मतलब बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं, जैसे मान लो हम अगर कंपेयर करें एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई, तो सबसे बड़ा साइज किस केस में आ रहा है, एच आई के केस में आ रहा है, तो उसका बॉन्ड एनर्जी जो है वो सबसे कम हो जाएगा, ओके, एच आई जो है उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा, ये ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ भी हम इसको बोल ही सकते हैं, बिल्कुल बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, साइज ऑफ एटम की बजाय यहां पर क्या यूज किया जा सकता है, बॉन्ड लेंथ भी यूज किया जा सकता है, ओके, सो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना कम हमारे पास क्या हो जाएगा,
बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा। ओके तो जब सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ यहाँ पर एच आई का है तो उसके केस में सबसे कम बॉन्ड एनर्जी आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही देख सकते हो साइज ऑफ एटम जितना बड़ा हुआ उतना ही कम बॉन्ड एनर्जी, मतलब एच आई को सबसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं और एच एफ को ब्रेक करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी। मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड सबसे ज्यादा कौन सा है इनमें से बताओ, सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा हुआ एच एफ और सबसे वीकर बॉन्ड कौन सा हुआ एच आई। क्लियर है सबको? तो एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही कम बॉन्ड एनर्जी होगा। लिख लिया सबने? चले आगे। तो ये फर्स्ट फैक्टर था साइज ऑफ एटम या बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो इसको तुम एक एग्जांपल से देखो, जल्दी लिखो अरेस। यस, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इज सेम शुभ। ध्रुव अगर ये तुम्हें करवा दिया है नंदा मैम ने तो मत लिखो, ये सब करवा दिया है तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी वगैरह कैसे आपस में रिलेटेड है, अगर ये पहले करवा दिया तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, अब यहां पर देखो इसके लिए मैं तुम्हें एग्जांपल क्या दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यार पहले तुम ऐसा करो एक लकड़ी की स्टिक पकड़ो और उसको ब्रेक करो, ऑब्वियसली आराम से ब्रेक हो जाएगी, कि बचपन में तुमने स्टोरी सुनी होगी ना, बचपन में स्टोरी सुनी होगी, एक बुड्ढा बाप होता है वो सबको स्टिक देता है यूनाइटेड वाली, है ना। तो एक लकड़ी की स्टिक लिया उसको तुम आराम से ब्रेक कर दोगे, दो स्टिक लो और उनको पकड़ो, ठीक है, एंड अभी ब्रेक करके देखो ब्रेक करने में डिफिकल्टी होगी ना, ठीक है। तीन स्टिक लोगे ब्रेक करोगे और ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, याद है वो बचपन में स्टोरी सुनी होगी। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर बॉन्ड ऑर्डर पे भी लगा सकते हो, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो आराम से ब्रेक कर सकते हो, डबल बॉन्ड है तो ब्रेक करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, ट्रिपल बॉन्ड है तो और ज्यादा डिफिकल्टी होगी। ओके तो जितना ज्यादा हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी की, सी डबल बॉन्ड सी की एंड सी सिंगल बॉन्ड सी की, तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगा, तो उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा और सबसे कम एनर्जी लगेगा सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में। क्लियर है? तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही ज्यादा मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हम बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी इतनी ही ज्यादा लगती है ब्रेक करने के लिए। ओके ये सेकेंड फैक्टर था। इसके अलावा थर्ड फैक्टर जो है यहां पर वो है लोन पेयर रिपल्शन। नहीं आशीष तुम रॉन्ग समझ रहे हो, जो तुम बोल रहे हो वो अलग चीज बताई थी, तुम क्या बोल रहे हो कि सर टेंथ में बताया कि सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से, ऐसा नहीं है आशीष,
तुम जो सोच रहे हो और तुमने जो मतलब मिसअंडरस्टूड कर रहे हो इस चीज को, वो सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात की होगी आशीष। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड ऐसे बोला होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है ऐसा नहीं बोला होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड ऐसे बोला होगा। सिंगल डबल और ट्रिपल में अगर हम देखेंगे तो सिंगल डबल और ट्रिपल में तो ट्रिपल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा एंड सिंगल सबसे कम स्ट्रांग होगा। ठीक है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी, उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। नाउ नेक्स्ट जो है वो है लोन पेयर रिपल्सन। तो देखो अगर कहीं पर लोन पेयर रिपल्सन आ गया बॉन्ड्स में, ओके, बॉन्ड्स के साइड में लोन पेयर रिपल्सन आ रहा है तो उसकी वजह से बॉन्ड आराम से ब्रेक हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल भी लेंगे हम, तो ग्रेटर लोन पेयर रिपल्सन, ज्यादा रिपल्सन है तो बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो जितना ज्यादा हमारे पास लोन पेयर रिपल्सन होगा उतना ही इजीली बॉन्ड को क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है या बॉन्ड एनर्जी कम रहेगा। लिख लिया सबने? हाँ तन्मय, हो गया सबका लिख के? मानस देखते हैं एंड में हो जाएगा शायद वो भी। उसमें ज्यादा हम कराएंगे नहीं, रेजोनेंस वाला पार्ट जो है हम ज्यादा कुछ कराएंगे नहीं उसमें, बस बॉन्ड ऑर्डर निकलवाएंगे, है ना। बाकी डिटेल में तुम उसको ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, रेजोनेंस वाला जो पार्ट है डिटेल में ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, यहां पर जस्ट हम तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताएंगे। चले आगे, हो गया सबका। टेस्ट में मानस रेजोनेंस वैसे नहीं आएगा जितना हम बताएंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने से रिलेटेड, उतना उस पे ही आएगा, डायरेक्ट रेजोनेंस नहीं पूछेंगे टेस्ट में। ठीक है, तो लोन पेयर वाला एक्सप्लेन करने के लिए देखो हम एक क्वेश्चन लेंगे अभी। तो क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन या एक्सप्लेन की बजाय कंपेयर लिख देते, कंपेयर बॉन्ड एनर्जी ऑफ एफ टू सी एल टू बी आर टू एंड आई टू, एफ टू सी एल टू बी आर टू एंड आई टू। तो क्या होगा भाई बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा बताओ। तो देखो यहां पर अगर हम देखें तो जस्ट बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ अगर हम यहां पर देखते हैं, साइज देखते हैं, तो हमारे पास
ये ऑर्डर होना चाहिए था, जस्ट बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ अगर हम यहां पर देखें या साइज देखें तो ये ऑर्डर होना चाहिए। जितना छोटा साइज है या जितना छोटा बॉन्ड लेंथ है उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ना, या बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा है, तो ये होना चाहिए था ऑर्डर। बट एक्चुअल में ऑर्डर ये रहता है, एक्चुअल में ऑर्डर ये रहता है। तो देखो ये जो है ये है ड्यू टू बॉन्ड लेंथ, एंड ये जो ऑर्डर है मतलब फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी कम क्यों हो गया, ये हो गया ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। अगर फ्लोरीन को बाकी से भी कंपेयर करेंगे तो कुछ ये ऑर्डर आएगा, एग्जैक्ट ऑर्डर ये रहेगा क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम फ्लोरीन का आता है और आयोडीन का सबसे कम आता है एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया डेटा, तो ये ऑर्डर था कुछ। क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का और फिर फ्लोरीन का। तो देखो क्या हुआ है, मैंने क्या बोला लोन पेयर रिपल्सन, तो देखो फ्लोरीन एंड फ्लोरीन इस बॉन्ड को आराम से ब्रेक क्यों किया जा सकता है, क्योंकि लोन पेयर है हमारे पास, दोनों फ्लोरीन के पास तीन तीन लोन पेयर है कि नहीं है, दोनों फ्लोरीन के पास क्या है तीन तीन लोन पेयर हैं। तो अभी यस सभी के पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है, सुनो मेरी बात, सभी के पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है, लेकिन देखो ये जो लोन पेयर है इनके बीच में डिस्टेंस जो है ये फ्लोरीन में सबसे कम होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, फ्लोरीन में सबसे कम डिस्टेंस होगा लोन पेयर के बीच में। तो कम डिस्टेंस होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा, समझ आया कि नहीं आया, कम डिस्टेंस होने की वजह से रिपल्शन क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है। तो अगर ज्यादा रिपल्शन है, यस फ्लोरीन का जो साइज है सबसे छोटा है ना, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, दैट्स वाई ये लोन पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम है। तो लोन पेयर के बीच का डिस्टेंस अगर कम है तो लोन पेयर आपस में मतलब ये वाली लोन पेयर और ये वाली लोन पेयर एक दूसरे को ज्यादा रिपेल कर रहे होंगे, तो ज्यादा रिपेल कर रहे होंगे तो बॉन्ड को आराम से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, समझाया। तो ड्यू टू मोर या ग्रेटर लोन पेयर रिपल्सन ये बॉन्ड को आराम से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो F2 के केस में इसलिए बॉन्ड एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो F2 के केस में लोन पेयर रिपल्सन ने डोमिनेट किया है, बाकी जगह बॉन्ड लेंथ की वजह से ही ऑर्डर आ रहा है, ओके बाकी जगह बॉन्ड लेंथ की वजह से ऑर्डर आ रहा है, और फ्लोरीन में जो ऑर्डर आया वो आया ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, बिकॉज बीच में जो डिस्टेंस है दोनों लोन पेयर के बीच में वो क्या है, कम है, तो बॉन्ड को आराम से ब्रेक कर सकते हैं, ओके तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन इन एफ टू बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, तो F2 में बॉन्ड एनर्जी किसकी वजह से डिक्रीज हुआ, लोन पेयर की वजह से डिक्रीज हुआ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम था तो उनका डिस्टेंस पास में मतलब पास में थे दोनों लोन पेयर, एंड ऑब्वियसली जैसे ये पास में है वैसे ही बाकी लोन पेयर भी पास में होंगे, है ना, ये वाले लोन पेयर भी पास में होंगे, ये वाले लोन पेयर भी पास में होंगे, तो लोन पेयर के बीच का डिस्टेंस कम है तो रिपल्सन ज्यादा है, ज्यादा रिपल्सन है तो बॉन्ड को आराम से ब्रेक कर पाएंगे। क्लियर है सभी को, तो ये हमारे पास कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स थे
जो हमने पढ़े एमओटी से पहले, क्योंकि एमओटी में क्या है, तुमसे कंपेयर करा सकते हैं, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करा सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करा सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करा सकते हैं, तो इसलिए हमने ये पार्ट पहले ही तुम्हें अभी बता दिया है। अगर तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर वगैरह पता है तो तुम बता सकते हो कि कैसे बॉन्ड एनर्जी रहेगा। यस, एक तरह से एक्सेप्शन की तरह याद रख सकते हो इस एग्जांपल को। फ्लोरीन वाला जो पार्ट है एक तरह से क्या हो गया, एक्सेप्शन ऑफ बॉन्ड लेंथ हो गया। उसका रीजन ऑब्वियसली आ रहा है लोन पेयर रिपल्सन, बट जनरली ये एक तरह से क्या हो गया, एक्सेप्शन टाइप ही हो गया। ठीक है, तो इसको याद रख लेना कि फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ जो है सबसे कम था, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा नहीं है, कम हो गया। कम क्यों हुआ, क्योंकि बॉन्ड लोन पेयर रिपल्सन हो गया था। चले आगे, ठीक है। तो अच्छा, हम ऐसा करते हैं, रेजोनेंस एंड में कराने के बजाय अभी करा देते हैं रेजोनेंस, फिर बाद में एमओटी वाला पार्ट ही बचेगा। ठीक है, तो रेजोनेंस में हम क्या करेंगे, जो ज्यादा कुछ कराना नहीं है रेजोनेंस में, जस्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, वही कराएंगे, ज्यादा कुछ नहीं कराएंगे अभी। डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। तो रेजोनेंस रेजोनेंस होता क्या है, तो इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड। अभी प्रॉपर हम नहीं करा रहे, जितना रिक्वायर्ड उतना ही करा रहे, प्रॉपर पूरी तरह कराया जाएगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एमओटीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ध्यान दें, मेजर टेस्ट नहीं है वो। ठीक है, तो रेजोनेंस जो है, यस मर्विन, बेंजीन में भी रेजोनेंस होता है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड कहां पर आता है, पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह में, है ना। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह जहां पर आ रहे हैं वहां पर रेजोनेंस हो सकता है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ड्यू टू रेजोनेंस stability increases, resonance की वजह से stability बढ़ जाता है। अब देखो example लेते हैं। अच्छा, ozone का example याद है, ozone का structure याद है क्या, ozone का structure क्या था, O double bond O and then coordinate bond था, ऐसा ही था ना, ozone का ये structure होता था, याद आया क्या। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को याद है हमने क्या बोला था, प्योर कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब प्योर कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन लेता था, मतलब जिसकी साइड एरो होता था उस पर नेगेटिव चार्ज और जिसकी साइड से जाता था उस पर पॉजिटिव चार्ज, ये हमने बताया था ना फॉर्मल चार्ज के टाइम। तो अब देखो ये हमारे पास जो है ओजोन, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड्स, देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो ऑब्वियसली अगर आशीष वहां पर ऐसा कुछ आएगा नहीं, जो हमने एग्जांपल लिया वही याद रखो, है ना।
तीनों फैक्टर थोड़ी ऐसे कुछ आएंगे कि बॉन्ड लेंथ भी आ गया, मल्टीप्लिसिटी भी आ गया और लोन पेयर भी आ गया, ऐसा कुछ जनरली होगा नहीं। वो लोन पेयर और बॉन्ड लेंथ वाला जरूर आया था अपने पास एच टू के केस में, सॉरी एफ टू के केस में, यहां पर जरूर आया था, बट उस केस में क्या है वो एग्जाम्पल की तरह याद रख लो। जनरली बाकी कोई ऐसा केस तुमसे पूछेंगे नहीं जिसमें इस टाइप का आए, है ना, जनरली फिर बॉन्ड लेंथ को ही फॉलो करोगे, बट इस केस में क्या है यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन फॉलो हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन ने डोमिनेट किया था, बट बाकी जगह डोमिनेट नहीं कर रहा, बाकी जगह भी तो लोन पेयर है ना, बट बाकी जगह लोन पेयर रिपल्सन नहीं आ रहा है। ओके, साकेत अभी बताया नहीं ना भाई रेजोनेंस, रुको थोड़ी देर तभी बताएंगे ना। तो रेजोनेंस हमने क्या बोला, इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड एंड इसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ता है। रेजोनेंस होता क्या है, तो देखो ये हमारे पास ओजोन का स्ट्रक्चर है। अब ओजोन के स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो यार एक हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए बताओ, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, डबल का कम होता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए, डबल का बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए। लेकिन यार एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया ना ओजोन में, तो एक्सपेरिमेंटली दोनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सेम आया। जब ओजोन में देखा जाता है दोनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ तो सेम आता है। अब ये सेम क्यों आ रहा है, ये आता है ड्यू टू रेजोनेंस, इसकी वजह से सेम आता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो देखो रेजोनेंस में हो क्या रहा है, तो जैसा मैं बोल रहा हूं कि यार डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड। तो अब एक्चुअल में देखो क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है ना। अब यार ये जो डबल बॉन्ड है, मैं बोलूंगा ये जो पाई बॉन्ड है हमारे पास, इसमें एक जो पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड हम इसी बॉन्ड पे क्यों डाल रहे हैं, वो इस बॉन्ड पे भी तो आ सकता है ना, पाई बॉन्ड इधर भी तो आ सकता था। तो बेसिकली क्या है, ये हमारे पास जो पाई बॉन्ड है ये मूवमेंट करेगा ऐसे, ठीक है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, या मैं बोल रहा हूं मूवमेंट हो रहा है। ओके, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं। तो अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले दूसरे वाले बॉन्ड पे रहे तो इसको ऐसे बना देंगे हम, ठीक है, फिर ये हमारे पास ऐसे रहेगा। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे भाई, लेफ्ट वाले पे होंगे कि राइट वाले पे होंगे, या पाई बॉन्ड हमारे पास लेफ्ट साइड में होगा कि राइट साइड में होगा। तो एक्चुअली पाई बॉन्ड जो है वो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पाई बॉन्ड जो है वो दोनों पे क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो हमारे पास एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे रहते। अच्छा, रेजोनेंस के लिए हम ऐसे बीच में डबल ये एरो दिखाते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे में ये वाला ये सब स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया डिटेल में तुम इसको ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, जस्ट हम यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना तुम्हें बता रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास सिग्मा बॉन्ड तो है ही, बट पाई बॉन्ड दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो पाई बॉन्ड दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके लिए हम यहां पर एरो यूज करते हैं, सॉरी नॉट एरो, ऐसे डॉटेड वाला पार्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डॉटेड, पूरा बॉन्ड नहीं है ना, आधा आधा बॉन्ड दूसरे पे दोनों पे। ओके, जो पाई बॉन्ड है वो लेफ्ट साइड में भी रहेगा और राइट साइड में भी रहेगा। ओके, तो पाई बॉन्ड आधा लेफ्ट साइड में रहेगा, आधा राइट साइड वाले पे रहेगा, मतलब दोनों पे आधा आधा बॉन्ड है। इसी टाइप से चार्ज भी देख सकते हो, चार्ज देखो यहां पर राइट साइड वाले पे था और इधर लेफ्ट साइड वाले पे था, माइनस चार्ज, ठीक है। तो दोनों पर चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इस पे माइनस हाफ चार्ज, इस पे बी माइनस हाफ चार्ज, इसके अलावा ऑब्वियसली ऊपर वाले पे तो दोनों जगह प्लस वन ही लेंगे। तो ये हमारे पास दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ओके, दोनों पर हमारे पास, यस दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, मेरविन लास्ट में जो आया इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो आगे तुम इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, अभी बॉन्ड ऑर्डर हम सिंगल बॉन्ड लें कि डबल बॉन्ड लें, ना तो सिंगल बॉन्ड लेंगे ना डबल बॉन्ड लेंगे, वो बीच का रहेगा। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या,
क्या होगा इसका? तो ऐसे केस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम? तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो कितना है भाई यहां पर टोटल बॉन्ड कितने हैं यार? तीन है कि नहीं है? टोटल बॉन्ड कितने हैं? तीन है ना? और कितने पेयर के बीच में? दो के बीच में। ओके, कितने पेयर के बीच में? मतलब दो दो बॉन्ड्स के बीच में है ना। तो 3/2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1.5। तो ओजोन में एक तो पूरा एक पूरा बॉन्ड है, जैसा हम अभी बताए उधर भी बनाया था, एक तो पूरा बॉन्ड है, इसके अलावा डॉटेड वाला पार्ट है, मतलब आधा बॉन्ड है। ठीक है, आधा बॉन्ड इस पे है, आधा बॉन्ड इस पे है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हुआ कि नहीं हुआ? ओके, तो ये ओजोन का हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, पूरा डिटेल में जैसा मैं पहले भी बताया दो तीन बार कि ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, अभी जस्ट हम यहां पर बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं। कैसे बॉन्ड ऑर्डर मिला रिया, बताता हूं फिर से। टोटल बॉन्ड कितने थे रिया? टोटल बॉन्ड हमारे पास कितने हैं? देखो, टोटल बॉन्ड तीन है ना, दो ये और एक ये। टोटल बॉन्ड कितने हैं? तीन। और कितने के बीच में है? दो पेयर के बीच में, एक और दो है ना, दो के बीच में है ना। दो के बीच में तीन बॉन्ड आएंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2। समझ आया? क्लियर है सभी को? यस। सो बेंजीन में 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है, सही बोल रहे हो। बेंजीन में भी क्या होता है? 1.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आगे चलें। यस, बिल्कुल नोट करना है यार, नोट करना, इसलिए तो लिखवाया है ना। यस, बेंजीन का भी एग्जांपल बता देते हैं। हो गया सबका ये? चलो बेंजीन का बताते हैं। देखो, तो बेंजीन में हमारे पास क्या है? यस मेरविन, वैसे भी लिख सकते हो। नाउ बेंजीन का देखो, तो बेंजीन में हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो पाई बॉन्ड है, ये इधर भी तो हो सकता है, पाई बॉन्ड यहां पर आ सकता है ना, इसकी वजह इधर आ सकता है, इसकी वजह इधर आ सकता है। ओके, आगे ऑर्गेनिक में इसको ऐसे एरो बना के, जैसे अभी हम एरो से दिखाए वैसे देखोगे, और रेजोनेंस को मोमेंट को दिखाएंगे वहां पर ऑर्गेनिक में, अभी हम उतना नहीं बता रहे। तो यहां पर आ गया है ना, ये वाला बॉन्ड जो है उसको इधर शिफ्ट कर दिया, इस वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, एंड इस वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मतलब इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं। ओके, तो एक्चुअल में क्या होंगे? वो सभी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक्चुअल में क्या होंगे? सभी को सभी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एंड यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से, देखो अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सभी पर, तो ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारी जगह। तो देखो, यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से बेंजीन में यहां पर सर्कल बना होता है। काफी जगह देखा होगा ना, यहाँ पर सर्कल बना हुआ, जैसे हमने डायपोल मोमेंट के टाइम भी सर्कल ही बनाया था। तो क्यों बनाया था? क्योंकि इसमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए?
यस, इसी को हम डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या होगा, टोटल बॉन्ड कितने हैं, देखो टोटल बॉन्ड 6 तो हमारे पास सिंगल सिंगल वाले हो गए, इसके अलावा मतलब सिग्मा वाले हो गए, इसके अलावा 3 पाई हैं, है कि नहीं। टोटल कितने हैं, टोटल 9 बॉन्ड है कि नहीं हमारे पास, टोटल कितने बॉन्ड है, 9 बॉन्ड है ना। और कितने के बीच में, 6 के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो 9 बॉन्ड्स हैं, 6 के बीच में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 9/6 मतलब 1.5। ये हम ऐसा भी देख सकते हैं इसको कि यार ये जो एक सिंगल मतलब एक हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो 2 पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये पाई बॉन्ड इधर भी है और पाई बॉन्ड इधर भी है तो दोनों पर आधा आधा गया। ओके, बॉन्ड ऑर्डर का कोई यूनिट नहीं होता ना यार, बॉन्ड ऑर्डर का थोड़ी कोई यूनिट होता है, इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एक्चुअली डॉटेड वाला सर्कल बनाना चाहिए, बट नॉर्मल वाला भी ऐसे सर्कल बना देते हैं, ठीक है, उसको बनाने का रीजन भी यही होता है। वैसे डॉटेड होना चाहिए क्योंकि आधे आधे बॉन्ड है। हाउ 9 बॉन्ड देखो ना यार, देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स बॉन्ड तो ये हो गए, इसके अलावा 3 पाई बॉन्ड भी है ना, 6 तो सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है तो टोटल बॉन्ड कितने हैं, 9 है। समझाया, हम यहां पर डिटेल में तुम्हें रेजोनेंस नहीं बता रहे, जस्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना बता रहे हैं, उतना ही रिक्वायर्ड है केमिकल बॉन्डिंग में। 6 पेयर है ना यार, 6 अपने पास 6 बॉन्ड है कि नहीं, कितने 9 बॉन्ड्स जो है, टोटल 9 बॉन्ड है वो 6 के बीच में आएंगे, 6 हमारे पास सीसी बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 के बीच में 9 बॉन्ड कैसे रहेंगे, 1.5 के हिसाब से ही रहेंगे ना यार। सीसी बॉन्ड कितने हैं इसमें, दिस इज सी, तो 6 सीसी बॉन्ड है। ओके, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, टोटल 9 बॉन्ड्स कितने पर है, 9 बॉन्ड्स 6 पर है तो 9/6। हाँ, डॉटेड वाला ही बनाओ। ठीक है, यस, दिस इज बेंजीन। चले आगे, यस रिया बोलो। यस रिया, बॉन्ड भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पाई बॉन्ड, और अगर चार्ज है तो चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे ओजोन में चार्ज था ना दोनों पर, तो वो चार्ज भी क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, दोनों ऑक्सीजन पर क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज था, माइनस हाफ एंड माइनस हाफ। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम एग्जांपल लें CO3 नेगेटिव का, तो उसमें भी रेजोनेंस होता है। देखो, तो सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर रेजोनेंस होगा तो कैसे होगा भाई तो देखो, हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है यहां पर डबल बॉन्ड में, वो पाई बॉन्ड इधर भी हो सकता है और पाई बॉन्ड इधर भी हो सकता है ना, तो उसका जब डीलोकलाइजेशन होगा तो हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं पाई बॉन्ड इधर भी हो सकता है, क्लियर है क्या।
तो एक्चुअल में हमारे पास क्या होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस में कैसे होगा, तो सी ओ ओ ओ ऐसे हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसके अलावा पाई बॉन्ड जो है तीनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ओके पाई बॉन्ड जो है तीनों पर क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये पाई बॉन्ड तीनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके अलावा चार्ज देखो, टोटल चार्ज हमारे पास माइनस टू है ना, वो माइनस टू चार्ज हर ऑक्सीजन पे आ रहा है, तो कैसे आ रहा है यार, तो माइनस टू चार्ज तीन ऑक्सीजन पे इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री एंड माइनस टू बाई थ्री। समझ आया नहीं आया? माइनस टू चार्ज तीनों ऑक्सीजन पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑब्वियसली डिवाइड बाय थ्री कर देंगे, तीन ऑक्सीजन है तो, क्योंकि हर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ रहा है देख सकते हैं, ओके तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, टोटल कितने बॉन्ड है, टोटल हमारे पास चार बॉन्ड है ना, और वो कितने के बीच में है, तीन के बीच में, तो फोर बाय थ्री या 1.33। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 4/3 आ गया या 1.33 आ गया, तो CO3 2 नेगेटिव में तीनों बॉन्ड इक्वल है ना। अगर यहां पर CO3 2 नेगेटिव में अगर हम बॉन्ड लेंथ फाइंड करने जाएंगे तो इसमें भी क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम रहेगी और बाकी दो बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है और बाकी दो सिंगल है, नहीं तीनों बॉन्ड एक्चुअली सेम होते हैं, तीनों बॉन्ड जो है उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, और क्या होता है, क्या होता है तीनों बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1.33। तो जो बॉन्ड लेंथ आएगी ना तो सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ आएगी ना डबल बॉन्ड वाली, बीच की बॉन्ड लेंथ होगी। समझाया नहीं आया? ठीक है, तो CO3 2 नेगेटिव में जब बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो ना तो सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ होगी ना डबल बॉन्ड वाली, तीनों बॉन्ड लेंथ जो है इक्वल होंगी और तीनों का बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.33 के करस्पॉन्डिंग रहेगा। क्लियर है क्या? यस, हाइब्रिड ऑब्वियसली लास्ट वाला ही है, जिसमें हम डॉटेड वाला पार्ट बनाते हैं वही हाइब्रिड होता है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड कौन सा होता है, जिसमें हम डॉटेड वाला बनाते हैं बॉन्ड को, वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। सब रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वही एक्चुअल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में स्ट्रक्चर कौन सी है जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ना डॉटेड वाला, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। विनायक, रेजोनेंस कहां कहां पर आएगा, जहां पर डबल बॉन्ड मूव कर सकते हैं ना, आइडेंटिकल जहां पर होंगे डबल बॉन्ड वाले पेयर वहां पर रेजोनेंस होगा। एक्चुअल में सब ये बोला ना डॉटेड वाली स्ट्रक्चर रहती है, ये वाली स्ट्रक्चर इज रियल स्ट्रक्चर। जैसा मैं बता रहा हूँ कि CO3 2 नेगेटिव में अगर तुम बॉन्ड ऑर्डर देखोगे या बॉन्ड लेंथ देखोगे तो तीनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम आएगी। रीजन क्या है, क्योंकि तीनों बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चले क्या आगे? ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं एमओटी। ओके, अब एमओटी स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो एक्चुअली ये क्या है, एमओटी इज बेस्ड ऑन
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एल सी ए ओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नाउ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब कि जैसे अपने पास साई ए एंड साई बी दो ऑर्बिटल हैं, ठीक है, साई ए एंड साई बी जो दो ऑर्बिटल हैं, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है साई ए प्लस साई बी, मतलब ऑर्बिटल्स एड हो सकते हैं, या दूसरा क्या है, ऑर्बिटल सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे पास रहेंगे, एक तो ऑर्बिटल्स ऐड किए जाएंगे या ऑर्बिटल सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑर्बिटल्स का। तो इस पर बेस्ड होगा एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसके फीचर्स जो हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहां पर काम में आएगा जो तुम्हें बताया था, याद है ऐसा कुछ बताया था ना, अगर ऐसा हमारे पास ऑर्बिटल्स ऐड हो रहा है तो देखो अपोजिट साइन आ रहा है, वेव फंक्शन का मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और अगर सेम साइन आएगा, अगर सेम साइन आएगा ऑर्बिटल्स का तो ऐड किया जाएगा। ओके, अगर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऑर्बिटल, और अगर सेम साइन वाले मिक्स हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं तो ऑर्बिटल ऐड किया जा रहा है, वेव फंक्शन ऐड किया जा रहा है। ये कराया होगा ना स्टार्टिंग में, ये वाला पार्ट कराया कि नहीं कराया? कराया ना। ठीक है, तो नहीं करवाया पुनीत, क्या बोल रहा है, नहीं करवाया? करवाया कि नहीं करवाया? वो सब करवाया ना, हाँ, अप्रैल और मई बैच का हो गया, बाकी का भी कराया है। ठीक है, अगस्त बैचेज को और जुलाई बैच को मैंने करवा दिया था। तो पहले फीचर्स ले लेते हैं, देन आगे चलते हैं। तो लिख लिया सबने ये? नाउ सेलियंट फीचर्स ऑफ एमओटी। तो देखो इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, मैंने क्या बोला कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ओके, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी कंबाइन्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी कंबाइन होंगे, और वो कंबाइन होके क्या देंगे,
मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स देखें। जल्दी लिखो राजा। ठीक है, नाउ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या देंगे? मॉलिक्युलर ऑर्बिटल देंगे। इसके अलावा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्युलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स क्रिएटेड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्युलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो मेन तो ये है कि यार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल देंगे, लेकिन जो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल बनेंगे वो नंबर में कितने होंगे? उतने ही होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए थे। इसके अलावा अब जो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल बनेंगे उनके दो टाइप होंगे, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर क्रिएटेड। तो उनके नाम क्या होंगे? तो उनके जो नाम है वो होंगे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स, और मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, एक बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग। तो एक्चुअली देखो क्या है, हमारे पास ये जो है ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। साई ए और साई बी जो थे वो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, कंबाइन होके इन्होंने मॉलिक्युलर ऑर्बिटल दिया। तो प्लस वाला जो है, प्लस वाला जो मॉलिक्युलर मतलब जिसमें एड होते हैं ऑर्बिटल्स, वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल। याद रख, जिसमें ऑर्बिटल्स ऐड हुए ना वो कौन सा है? बॉन्डिंग है। और जिसमें सब्ट्रैक्ट हुए वो है एंटी बॉन्डिंग। जिसमें ऑर्बिटल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम बोल सकते हैं वेव फंक्शन जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग है। ओके, सो दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल। और दूसरा वाला जो है वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल। तो दो टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग वाला दूसरा एंटी बॉन्डिंग वाला, जिसमें ऑर्बिटल्स ऐड हो रहा है वो बॉन्डिंग, और जिसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो एंटी बॉन्डिंग। याद है हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप बताया था? बॉन्डिंग ओवरलैप में सेम साइन वाला ऐड होता था, याद आया क्या? बॉन्डिंग ओवरलैप में सेम साइन और एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप में अपोजिट साइन, याद है? तो बेसिकली जब अपोजिट साइन वाला आएगा तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और जब सेम साइन वाला आएगा तो बॉन्डिंग बनेगा। LCAO का फुल फॉर्म लिखा है ना यार, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लिखा है ना।
तो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और कितने टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, दो टाइप के, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग। यस साकेत, एंटी बॉन्डिंग में दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके छोटे हो जाते थे साइज में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लिख लिया सबने? यस रिया, एंटी बॉन्डिंग जो है अपोजिट साइड की वजह से, साइन की वजह से होता था, और बॉन्डिंग जो है सेम साइन की वजह से होता था। यस सुब, एंटी बॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। लिखिए सबने? बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल, लिखवाएंगे वो भी, ऑब्वियसली एडिशन हो रहा है तो मोर स्टेबल रहेगा वो। लिख लिया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ग्राफ भी यहां से, मतलब इस चीज को हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। तो देखो क्या है, एंटी बॉन्डिंग जो है उसमें हमारे पास स्टेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। तो एक्चुअली जब अगर एंटी बॉन्डिंग के हमारे जब बन रहा है, तो अगर देखो ऑर्बिटल्स दूर दूर हैं, हम बोल सकते हैं एटम्स दूर दूर हैं, तो एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है। जैसे जैसे एटम्स पास में आएंगे, तो अब एक्चुअली क्या है, स्टेबिलिटी जो है कम होती जाती है। स्टेबिलिटी कम होगी मतलब एनर्जी बढ़ेगी, तो एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसे बढ़ती जाती है। एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है इस टाइप से रहती है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, और उसकी वजह से वो स्टेबिलिटी में कम रहता है। तो ये एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल। इसके अलावा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो उस केस में जैसे जैसे पास में आएंगे एटम्स, तो एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और सबसे कम हो जाएगी, देन उसके बाद पास में लाएंगे, फिर वापस बढ़ती है एनर्जी, ऐसा है। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का ग्राफ ऐसे रहता है एनर्जी का। ओके, एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा। देखो हम ऐसे जब आ रहे हैं तो डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना। तो एटम्स के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है। ज्यादा एनर्जी मतलब कम स्टेबिलिटी। तो एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास स्टेबिलिटी जो है वो कम होता जाता है, लेकिन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो बॉन्डिंग में जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे कम होके एंड देन इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, सो ये किसका ग्राफ है, ये बॉन्डिंग वाला ग्राफ। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंड ऑब्वियसली जितनी कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी।
तो जब सबसे कम एनर्जी जब होती है ना, वहां पर बॉन्ड बनता है। जहां पर सबसे कम एनर्जी होती है जिस डिस्टेंस पर, उस डिस्टेंस पे क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। आगे तुम पढ़ोगे इसको, मतलब ऐसा है कि जितनी ज्यादा एनर्जी होती है, जितनी ज्यादा एनर्जी होती है ना, उतना ही कम स्टेबिलिटी होता है। जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतना ही क्या क्या होता है? कम स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जैसे जैसे डिस्टेंस, अब अभी ऐसे जब आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जब आ रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है ना। तो जैसे 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 आ रहे हैं, मतलब एटम्स को एक दूसरे के पास में लेके आ रहे हैं, तो एटम्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो देखो एंटी बॉन्डिंग में क्या है, एनर्जी बढ़ता जा रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। लेकिन बॉन्डिंग में देखो, बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, बॉन्डिंग में जैसे जैसे पास में आ रहा है तो एनर्जी कम होता जा रहा है, नीचे ग्राफ जा रहा है, मतलब एनर्जी कम हो रहा है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो एनर्जी कम होता जा रहा है, तो एनर्जी कम होगा तो क्या होगा, फिर स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इस पॉइंट तक स्टेबिलिटी बढ़ेगा और वापस फिर ऊपर एनर्जी जा रही है, तो स्टेबिलिटी फिर क्या होगा, कम होगा, ओके। तो बॉन्डिंग में हमारे पास ऐसा रहता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ऐसा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक स्टेबिलिटी बढ़ता है और उसके पास में आ गए तो क्या, रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी पास में अगर एटम आ जाते हैं ना, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी। मतलब देखो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, और उसके बाद में फिर और पास में लाएंगे तो फिर एनर्जी बढ़ेगा, जिससे स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो ये बॉन्डिंग का ग्राफ, समझाया? ठीक है। तो ये जो एनर्जी होता है, अगर तुम्हें एनर्जी का भी देखना है तो ये इसी एनर्जी को हम एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं। अगर तुम्हें एनर्जी की बात करनी है तो दिस एनर्जी इज नथिंग बट बॉन्ड एनर्जी, ओके। जिस एनर्जी पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, वो क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होती है बॉन्ड लेंथ, ये डिस्टेंस कौन सी होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। जिस डिस्टेंस पर सबसे नीचे, मतलब जो सब जहां पर सबसे कम एनर्जी होगा, जिस डिस्टेंस पर सबसे कम एनर्जी होगा वो डिस्टेंस क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। और वो जो एनर्जी है, ठीक है, जब पास में लेके आए दो एटम्स को, तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, इतना एनर्जी रिलीज हुआ। पहले जीरो था ना, पहले एक तरह से जब इन्फिनिटी पे थे तो वो जीरो था, ठीक है। जब पास में आ गए तो इतना एनर्जी क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसको भी बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। तो एंटी बॉन्डिंग जो है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। एंटी बॉन्डिंग तो स्टेबिलिटी को कम कर देता है, और बॉन्डिंग जो है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। यस, एंटी बॉन्डिंग बेसिकली लेस स्टेबल कर देगा, उसकी वजह से बॉन्ड नहीं बनते हैं, वो बॉन्ड की स्टेबिलिटी को कम कर देता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट। तो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। बॉन्डिंग का एनर्जी कम रहता है, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होता है। इसके अलावा यहां पर सारे रूल जो है फॉलो किए जाएंगे, कौन से वाले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले। तो ऑल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब आगे हम जब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सारे रूल्स जो है फॉलो होंगे। कौन कौन से रूल थे, ऑफ वो पॉली, एंड तीसरा कौन सा था, हंट्स, ठीक है, ऑफ वो पॉली एंड हंट्स जो है, तीनों के जो रूल हैं वो यहां पर क्या होंगे, फॉलो होंगे।
ठीक है, तो बेसिकली एग्जांपल अगर मैं वैसे लूं, हमारे पास, फिर से मैं एक बार बता देता हूं वाला, एस और एस अगर करेंगे, ठीक है, तो इससे हमारे पास प्लस प्लस सेम साइन आ रहा है ना, तो कौन सा हुआ, बॉन्डिंग वाला हुआ, ठीक है, कौन सा हुआ ये, बॉन्डिंग वाला, तो इससे सिग्मा बनेगा, इससे क्या बनेगा, सिग्मा। अगर इसमें अपोजिट साइन आ गया, इसमें क्या आ गया, अपोजिट साइन आ गया, तो ऑब्वियसली छोटा छोटा हो गया, एंड यहां पर सिग्मा स्टार, याद है मैंने क्या बताया था, स्टार बताया था। वैसे एस का मेनली क्या होता है, अपने पास मेनली पॉजिटिव साइन वाला पार्ट होता है, बट नेगेटिव भी होता है वेव फंक्शन का साइन, वो थोड़ा होता है। तो अगर सेम साइन हो रहा है तो सिग्मा, अपोजिट साइन हो रहा है तो सिग्मा स्टार। तो ये क्या है, दिस इज बॉन्डिंग वाला, एंड ये क्या है, दिस इज एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं दिस इज सिग्मा, मतलब दिस इज साई ए, दिस इज साई बी, तो ये जो था ये क्या था, दिस इज साई ए प्लस साई बी था, ठीक है। और यहां पर साई ए और साई बी क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये जो बन रहा है इसमें क्या बन रहा है, साई ए माइनस साई बी बन रहा है, ठीक है। सो ये वाला बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल था, और ये वाला जो है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल था। ऐसे ही अगर हम पी में लें, तो पी में भी तो हमारे पास दो टाइप आ सकता है यार, हमारे पास पी में सेम साइन भी हो सकता है और अपोजिट साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर सेम साइन हुआ तो वो सिग्मा बन जाएगा, ऐसे ओवरलैप होके सेम साइन हुआ तो क्या बन जाएगा, वो ऐसा बन जाता था, ठीक है। तो ये क्या आएगा, दिस इज सिग्मा। और अगर यहां पर अपोजिट हुआ, अपोजिट हुआ तो क्या बनता है, अपोजिट हुआ तो सिग्मा स्टार बनेगा, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार, ठीक पी में दो टाइप से ओवरलैप हो सकता है यार, हेड ऑन एंड लेटरल। तो ऑब्वियसली पी से सिग्मा भी बनता है, पी से पाई भी बनता है, पी से सिग्मा भी बन सकता है और पी से पाई भी बन सकता है। जब पाई बनेगा तो कैसा है, पाई में ऐसा होता है, देखो ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सेम साइन ओवरलैप होने वाला है, या मैं बोल रहा हूं ऐड होने वाला है, तो उसकी वजह से ऐसे ले लिया हमने, तो इसको हम बोलेंगे पाए, इसको क्या बोलेंगे, पाए, ठीक है। पी और पी का ऐसे हुआ तो ये पाए, लेकिन पी और पी का अपोजिट साइन अगर ऐड हुआ, अपोजिट साइन वाला ऐड हुआ, इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके। जब अपोजिट साइन ऐड होता है इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब ऐसे केस में हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे पाई स्टार, ओके। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो स्टार नहीं लगाएंगे, एंटी बॉन्डिंग है तो स्टार लगाएंगे, क्लियर है क्या। तो सिग्मा जो है वो एस एस से भी बनेगा और पीपी से भी बनेगा, लेकिन पाई जो है वो पी से ही बनेगा। हाँ मरविन बोलो। सर, मेरा ये डाउट था कि सर वो जो प्लस और माइनस के बीच में जो एक जगह छोटी है सर, थोड़ी सी सर, उसमें वो नोडल प्लेन होगा ना।
किस केस में? सर पहले तो सर ये अपने आउट ऑफ फेज ओवरलैप और फिर इन फेज ओवरलैप में, ये ना दिस इज नोडल प्लेन। ओके सर। और सर नीचे वाले सर, इसमें सर मैम ने हम लोग को जो दिया था सर, एक तो वो सही है लेकिन सर दूसरे वाले में फुल सर्कल है। कौन सा सर? ये जो नीचे वाला आउट ऑफ फेज ओवरलैप है, सबसे नीचे वाला। हाँ सबसे नीचे वाला, हाँ ये वाला। हाँ सर उसमें, हाँ सर उसमें मैम ने हम लोग को दिया है कि एक तो ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसा दिखेगा और दूसरा वाला एक फुल सर्कल जैसा, ओवल जैसा होगा। ये देखना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसा है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, प्लस बड़ा होता है माइनस छोटा होता है। हाँ सर वो ठीक है, ये उसका उल्टा है। हाँ सर एक एक प्लस एक माइनस एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और फिर दूसरा वाला फुल सर्कल जैसा जो ऑपोजिट वाला है। ऐसा ही आता है ना सर, मैम ने हम लोग को ऐसा ही आता है। आई डोंट नो बट ऐसा ही आएगा। वो तो सेम, वो बेसिकली सब्ट्रैक्ट होंगे तो सेम उससे होंगे ना, मतलब ये अपना एक्चुअली बेसिकली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में जब ऐड होंगे तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनका पार्ट तो छोटा होगा। ओके सर। ओके। और सर वो पीपी ओवरलैप में सर वो एक का बनाना बॉन्ड बन जाएगा ना? बनाना बॉन्ड थोड़ी बनता है अपना, बनाना बॉन्ड यहां से कहां से आया? वो नहीं सर, पीपी का हेड ऑन ओवरलैप में, हेड ऑन ओवरलैप में नहीं मतलब बनाना बॉन्ड तो वो अलग चीज है, बनाना बॉन्ड इधर कैसे आ गया? अच्छा नहीं तो सर वो ये हेड ऑन ओवरलैप हुआ, ये बॉन्डिंग वाला हुआ एंड ये एंटी बॉन्डिंग वाला हुआ। हाँ सर बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग वाला। तो सर बनाना बॉन्ड अलग चीज होती है, ये बनाना बॉन्ड नहीं है, मतलब ऐसा दिख रहा है बट ये बनाना बॉन्ड थोड़ी बोलते हैं। नहीं सर बनाना बॉन्ड अलग चीज होती है। नहीं सर वो बड़ा हो जाता है ना, मतलब हाँ वो तो बड़ा हो गया ना, तो ये जो बीच वाला पार्ट है बड़ा है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है बड़ा है। अच्छा सर उसमें कंफ्यूजन हो रही थी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये नेगेटिव जो है ना ये काफी बड़ा है ना। अच्छा नेगेटिव सर, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हुआ ना, नेगेटिव वाला पार्ट जो ऐड हुआ ऐसा, ठीक है वो काफी बड़ा है। अच्छा सर ओके सर, थैंक यू सर। तो चलो ब्रेक लेते हैं, समझ आया ना सबको? तो ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैसे इसका हम यूज करेंगे एंड कैसे इसके थ्रू बॉन्ड ऑर्डर वगैरह वो सब चीजें निकालेंगे। ओके तो मतलब एस और एस हमेशा सिग्मा बनाएगा जब कंबाइन होगा, पी और पी जो है सिग्मा भी बना सकता है और पाई भी बना सकता है, ठीक है? तो ब्रेक है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। यस रिया थोड़ा वेट कर लो और हम एग्जांपल जब लेंगे तो वहां से और देख लेना, ठीक है? अभी 10 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद एग्जांपल लेते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा।
स्टार्ट करें क्या? आ गए सब लोग ना? तो अब हम लेते हैं एग्जांपल। तो सबसे पहले हम लेंगे H2 का अगर हम यहाँ पर MOT देखें, MOT वाला डायग्राम देखें कैसे क्या बनाएंगे। तो देखो क्या होता है, जैसे मैंने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम लेंगे हम, क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन एटम लेंगे। अच्छा, दोनों हाइड्रोजन एटम में H2 में क्या है, दो हाइड्रोजन एटम है ना। तो H2 कैसे बना अकॉर्डिंग टू MOT, तो उसमें दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों में 1s1 कॉन्फिगरेशन है कि नहीं है। तो ये हमारे पास 1s1 वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, ये दोनों हाइड्रोजन एटम का 1s1 हो गया। अच्छा, दिस इज एनर्जी का लेवल, ये क्या है, एनर्जी का लेवल है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। नाउ एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए ना, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें से एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दो बन रहे हैं, तो बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम रहेगी एंड एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा रहेगी। ओके, एस और एस से क्या बनता था, एस और एस से क्या बनता था, सिग्मा ना। तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग वाले को बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो ये जो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s जो है, जो हमने जो बनाए हैं, दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, उनके कंबाइन होने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसके अलावा हम थोड़ा एनर्जी लेवल ऊपर नीचे किसका है, इसके लिए थोड़ा इनको ऐसे मिला देते जिससे पता चले। तो इन दोनों का एनर्जी सेम है, सेम लेवल है दोनों का, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसके अलावा इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है। तो अब देखो हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे यार, टोटल इलेक्ट्रॉन दो रहेंगे, एक इधर एक इधर, है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्वो प्रिंसिपल दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ही फिल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में फिल होता है ना। तो लोएस्ट एनर्जी किसका है भाई, सिग्मा 1s का है यहाँ पर। तो जब तक सिग्मा 1s का पूरा फिल नहीं हो जाएगा, तब तक सिग्मा स्टार 1s में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अब इसके बाद सिग्मा स्टार 1s में जाते हैं अगर और होते। तो इतना ही हमारे पास H2 है। ओके, तो H2 का जो कॉन्फिगरेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के बाद, वो क्या है, इट इज सिग्मा 1s2। क्या है, सिग्मा 1s2। ठीक है, अच्छा, नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, दो तीन चीजें निकालने में यूज होगा, एक तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दूसरा उनका मैग्नेटिक करेक्टर क्या है। ठीक है, तो मैग्नेटिक करेक्टर कैसे पता चलता है यार, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। तो यहां पर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, दैट्स व्हाई ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। ओके, तो हमारे पास H2 जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। कॉन्फिगरेशन H2 का क्या आया, सिग्मा 1s2 आया। इसके अलावा तीसरी चीज जो है वो बॉन्ड ऑर्डर होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर का यहां पर देखो फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो याद रखना नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू, तो कितना आएगा बताओ? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग में कितने हैं? बॉन्डिंग में दो हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? एंटी बॉन्डिंग में जीरो डिवाइड बाय टू। ओके, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय टू, तो कितना आया? वन आया है क्या? तो H2 में बॉन्ड ऑर्डर वन ही होता है ना यार, H2 जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? वन ही तो होता है ना। क्लियर है क्या? ये देखो ना, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल दो थे, दोनों में मिला के दो इलेक्ट्रॉन, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले कहां पर जाएंगे? लोएस्ट एनर्जी वाले में जाएंगे। तो लोएस्ट एनर्जी किसका है? सिग्मा वन एस का। तो दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा वन एस में चले गए, और सिग्मा स्टार वन एस में फिर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में जीरो इलेक्ट्रॉन। समझ आया? तो टू माइनस जीरो बाय टू, दिस सिग्मा वन एस टू इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते थे ना हम पहले, वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास H2 में क्या है? सिग्मा 1s2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सॉरी सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, तो दो इलेक्ट्रॉन लिख दिए। समझ आया? नेक्स्ट एग्जांपल लें। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2, दिस सिग्मा 1s2 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2। आगे चलें। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, HE2। तो HE2 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 1s, दिस इज ऑल्सो 1s एंड ये आ गया सिग्मा 1s एंड ये आ गया सिग्मा स्टार 1s। दोनों के 1s में दो दो इलेक्ट्रॉन थे, दिस इज एनर्जी लेवल। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? चार हो गए ना। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? चार। अब चार इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे बताओ यार? पहले दो इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? सिग्मा वन एस में आएंगे, फिर बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? सिग्मा स्टार वन एस में। ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, फिर बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होगा? सिग्मा वन एस टू एंड सिग्मा स्टार 1s2। क्लियर है क्या सबको? सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में दो इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है ये? दिस इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, तो क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक। ओके, सो डायमैग्नेटिक है ये। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितने हैं? बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन?
एंटी बॉन्डिंग में भी दो इलेक्ट्रॉन, तो 2 - 2 / 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0 आएगा ना, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। तो HE2 में ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर होता ही नहीं ना, HE2 एग्जिस्ट करता है क्या, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो HE2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हीलियम डायटोमिक थोड़ी होता है, हीलियम तो हीलियम ही होता है, हीलियम फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है ना, आपस में हीलियम हीलियम का भी बॉन्ड बनाता ही नहीं है, ओके, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो हीलियम 2 जो है, HE2 जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर है सभी को? साकेत, इसके थ्रू हम डायटोमिक का ही बना पाएंगे, MOT जो है डायटोमिक के लिए ही होगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं होगा। हो गया सबका, चले आगे। H2 का लिखा है ना हमने, H2 क्या था, H2 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर थे ना, तो H2 वाज आल्सो डायमैग्नेटिक, लिखा था ना H2 में भी डायमैग्नेटिक। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट है Li2, तो Li2 में देखो क्या है, दिस इज 1s, दिस इज ऑल्सो 1s, तो 1s 1s से बना सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। इसके अलावा यहां पर हमें पता है यार, लिथियम में क्या है कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम में 1s2 2s1 है ना, तो यहां पर 2s वाला ऑर्बिटल भी होगा, तो so this is sigma star 2s, this is sigma 2s, this is 2s wala orbital, this is also 2s wala orbital, to lithium mein kya hai configuration, 1s2 2s1, lithium mein kya hota hai 1s2 2s1, aise hi dusre wale do lithium ke atom hai dono mein 1s2 2s1 है, ठीक है। अब देखो ये दो और दो चार इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो चारों इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इस टाइप से हो जाएंगे। इसके अलावा ये 2s के दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेंगे बताओ, लोअर एनर्जी किसका है, सिग्मा 2s का है ना, तो वो इधर रहेंगे। क्लियर है क्या? So what is configuration of Li2? It is sigma 1s2, sigma star 1s2 and sigma 2s2. Clear hai sabhi ko? Achha, Li2 kya hoga? Paramagnetic ya diamagnetic? Sare electron yahan par bhi paired hai. To kya hua? Diamagnetic hua. इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? अच्छा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग के 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी बॉन्डिंग के 4 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन, 2 डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा, 1 आएगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो, जो एकदम हायर वाला जो है वही ले लो, हायर वाला डायग्राम ले लो, वो उसी से कर सकते हो ना, क्योंकि नीचे वाले तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो इनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और जस्ट हायर वाला लोगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन, 0 डिवाइड बाय 2, सेम आंसर आएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के लिए। तो हमारे पास ये
ऑर्डर रहेगा एनर्जी का। ठीक है, दिस इज ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। समझाया सबको? हाँ मनीष, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का भी वीडियो सॉल्यूशन है यूट्यूब पर। रिया कोई भी ले लो, मतलब तुम सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करने के बजाय जस्ट ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है ना उसी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि टोटल बॉन्डिंग कर लो एंड देन माइनस टोटल एंटी बॉन्डिंग कर लो, ऑब्वियसली उससे भी आएगा बट टाइम ज्यादा लग जाएगा ना। तो इसके बजाय बॉन्ड ऑर्डर के लिए जस्ट क्या देखो, जो ऊपर वाला अपने पास आ रहा है उसी को देखो, उसी से भी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। क्योंकि नीचे जो है ये दो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग होंगे तो वो तो कैंसिल आउट हो गए, है ना, 2 - 2/2, तो उसके वजह से तो जीरो आएगा, इसकी वजह से तो बॉन्ड ऑर्डर होगा ही नहीं। जो भी बॉन्ड ऑर्डर होगा वो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से ही होगा। नहीं मेरविन, पॉली एटॉमिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, डायटॉमिक के लिए एप्लीकेबल है। हो गया सबका, चले आगे। चले क्या? Now what about Be2? तो Be2 में भी ऐसा ही है, चलो Be2 का उसी में बना देते हैं। तो Be2 में क्या है, अगर हम Be2 की बात करेंगे, तो Be का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 है ना, तो 1s2 2s2, तो हमारे पास इधर 2s2 हो गया, इधर भी 2s2 हो गया, तो टोटल यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4 हो गए ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 नीचे रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेंगे। ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 एंड उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s2 भी होगा। ओके हाँ, नोट्स भेजेंगे। व्हाट अबाउट दिस, इट इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक? Be2 डायमैग्नेटिक होगा कि पैरा होगा? ऑब्वियसली सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये भी क्या होगा, डाय होगा। एंड बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जस्ट ऊपर वाला देख लो, तो ऊपर वाले से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो क्या आएगा, 2 - 2/2, बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 0 आया। क्लियर है सभी को? यस, बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 है मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा ऐसे केस में। चले आगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, B2, C2 और N2 पर बाद में आएंगे। B2, C2 और N2 जो है उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप से होता है, उसमें बाद में आएंगे। शुभ, एक्चुअली देखो क्या है, गैसियस फॉर्म में जब होंगे, जब गैसियस फॉर्म में होंगे तो ये बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, हम ये बात कर रहे हैं गैसियस फॉर्म की, ये जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है ये गैसियस में आएगा, जब ये गैसियस स्टेट में होंगे तब की। क्लियर है सबको?
क्लास जो है वो 130 तक रहेगा। नाउ देखो बी टू सी टू और एन टू बाद में लेंगे, पहले हम यहां पर लेंगे ओ टू, ठीक है ओ टू ले रहे हैं। अब देखो ओ टू में वन एस और टू एस वाला नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट टू पी पर चल रहे हैं। तो टू पी जो है टू पी के अपने पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, टू पी के तीन तीन ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा अब उसमें से मॉलिक्यूलर एक्सेस हम ले लेते हैं पी जेड ले लेते हैं, पी जेड इज मॉलिक्यूलर एक्सेस। तो पी जेड मॉलिक्यूलर एक्सेस है मतलब पी जेड और पी जेड से सिग्मा बनेगा, सॉरी पी जेड नहीं जेड, जेड इज मॉलिक्यूलर एक्सेस नॉट पी जेड। हमने जेड को मॉलिक्यूलर एक्सेस ले लिया तो उसकी वजह से पी जेड सिग्मा बनाएंगे। ओके तो अब देखो यहां पर सिग्मा भी बनेगा और पाई भी बनेगा, सिग्मा का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है पाई से, तो ये हमारे पास सिग्मा बन गया और बाकी पी एक्स और पी एक्स पाई बनाएंगे और py और py भी पाई बनाएंगे, तो यहां पर सिग्मा भी आएगा और पाई भी आएगा। सो दिस इज सिग्मा टू पी जेड एंड ये जो पाई है px ने बनाया तो 2px एंड py ने बनाया तो 2py, ठीक है दोनों पाई आ गए। तो px और px px और px पाई बनाएगा, py और py भी पाई बनाएगा, pz और pz जो है वो सिग्मा बना रहा है क्योंकि हमने z को क्या लिया मॉलिक्यूलर एक्सेस लिया। अगर हम जेड के बजाय एक्स को मॉलिक्यूलर एक्सेस लेते तो पी एक्स और पी एक्स जो है वो सिग्मा बनाता। एनसीआरटी में जेड को मॉलिक्यूलर एक्सेस लिया गया है, दैट्स व्हाई हमने भी जेड को मॉलिक्यूलर एक्सेस लिया है। तो पी जेड और पी जेड ने सिग्मा बना लिया। ये बॉन्डिंग का एनर्जी इस टाइप से, मतलब सिग्मा का एनर्जी कम है और पाई का एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ये बॉन्डिंग का एनर्जी हो गया। एंटी बॉन्डिंग में अगर हम देखेंगे एनर्जी लेवल, तो एंटी बॉन्डिंग में, अच्छा पहले इनका एनर्जी के लिए थोड़ा लाइन बना देते जिससे तुम्हें पता चले। तो पाई जो है ऊपर है और सिग्मा नीचे है। एंटी बॉन्डिंग में उल्टा है, एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा का एनर्जी ज्यादा है और पाई का एनर्जी कम है। तो सिग्मा स्टार टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू py, ऐसे है डायग्राम। ये डायग्राम होता है जनरली सबके लिए, बी टू सी टू और एन टू में ये डायग्राम नहीं होगा, इसके अलावा बाकी सबके लिए यही डायग्राम रहता है पी का। ओके पी का जो लेवल है वो यही रहेगा, सिग्मा टू पी जेड का एनर्जी कम, फिर उससे ज्यादा पाई वालों का, पाई से ज्यादा पाई स्टार वालों का, फिर पाई स्टार से ज्यादा सिग्मा स्टार वालों का, ये अपने पास एनर्जी का लेवल रहता है। हमने यहां पर 1s और 2s नहीं बनाया, ऑब्वियसली वो उनका ऑलरेडी तुम्हें पता है कैसा होता है। तो अब देखो यहां पर ऑक्सीजन में क्या है कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ऑक्सीजन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p क्या है, ऑक्सीजन में 2p क्या है, 2p4 है ना, 1s2 2s2 2p4, तो 2p4, ये देखो p के चार इलेक्ट्रॉन, इसी टाइप से दूसरे ऑक्सीजन के भी चार इलेक्ट्रॉन p में। ओके तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे यार, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन ही आ गए, ठीक है 2, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा 7 और 8। देखो हमने पेयरिंग नहीं किया, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि पेयरिंग करेंगे तो हंट्स रूल वायलेट हो जाएगा ना, 7 और 8। ओके तो हंट्स रूल को वायलेट करना है, हंट्स रूल फॉलो करना है हमें।
तो ये हमारे पास O2 हो गया, तो O2 में देखो क्या है, फिर तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, चलो पहले बॉन्ड ऑर्डर से पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बाद में लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। ये वाला पार्ट तो रहेगा ही, वो हमने बनाया नहीं डायग्राम, ठीक है, वो वाला पार्ट एज इट इज है। इसके अलावा यहां पर क्या है, सिग्मा 2p z2, देन ये पाई के दोनों की ऑब्वियसली एनर्जी सेम है, तो इनको एक साथ लिखेंगे हम, पाई 2p x2 एंड पाई 2p y2। देन इसके बाद पाई स्टार आ गया, तो पाई स्टार में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो पाई स्टार 2p x1 एंड पाई स्टार 2p y1, ये रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये वाला पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, पैरा देखो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया है, पाई स्टार में देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ओके, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। और इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग के देखो, अब यहां पर देखो दिमाग में भी तुम इस चीज को कर सकते हो, दिमाग में कैसे करोगे, तुम्हें पता है 1s2 2s2 2p4 है ना, तो इधर चार, टोटल कितने हो गए आठ, आठ में से नीचे कितने रहेंगे, सिक्स रहेंगे ना, क्योंकि चार और तीन और बिटल है, तो सिक्स नीचे रहेंगे, दो ऊपर रहेंगे, ओके, तो सिक्स माइनस टू बाय फोर, ओके, ये दिमाग में भी कर सकते हो, जरूर नहीं कि तुम डायग्राम बनाओ ही, तो सिक्स नीचे रहेंगे, दो ऊपर रहेंगे, डिवाइड बाय टू, तो क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर, टू आ जाएगा, ओके, टू पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों टू पी में चार चार इलेक्ट्रॉन, टोटल आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, आठ में से तीन इलेक्ट्रॉन नीचे रहेंगे, सॉरी छह इलेक्ट्रॉन नीचे रहेंगे और दो ऊपर रहेंगे, नीचे सिक्स इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे, क्योंकि नीचे थ्री ऑर्बिटल्स है, ओके, डायग्राम थोड़ा एक बार देख लिया, देन इसके बाद दिमाग में भी कर सकते हो इस चीज को। रिया बोलो क्या डाउट है, शुभ जैसा मैंने बताया डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, वो दिमाग में ये चीजों को करना है, यस वो कर्ली ब्रैकेट है, मतलब बेसिकली क्या बता, ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट डाले हैं ये एक्चुअली ये बता रहे हैं, ये दो मतलब सेम एनर्जी लेवल है, ओके, ब्रैकेट में डाला हमने, उनका एनर्जी क्या है सेम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब जैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाते वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2 के बाद में क्या फिल हो रहा है, सिग्मा 2pz है ना, तो सिग्मा 2pz2, फिर उसके बाद दोनों पाई फिल हो रहे हैं, दोनों पाई में सेम इलेक्ट्रॉन मतलब सेम एनर्जी है, तो पाई स्टार सॉरी पाई 2px2 पाई 2py2 एंड उसके बाद पाई स्टार में गया इलेक्ट्रॉन, तो पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1, ठीक है, क्लियर है सभी को। आगे चले, एक मिनट, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सॉरी हाँ ये दिस इज सिग्मा 2s2 है ना, तो गलती से मैंने सिग्मा 1s2 लिख दिया था, दिस इज सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s2, हो गया सभी का, नाउ f2 में क्या होगा, f2 में भी ऐसा ही चलेगा, बस यहां पर क्या आएगा, π
पांच इलेक्ट्रॉन इधर भी पांच इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 हो जाएंगे ना, वो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से दो इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे इधर, ओके। तो F2 का क्या होगा, F2 में अभी डायग्राम नहीं बना रहे हम, डायरेक्टली कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं। कितना एग्जांपल हो गए, O2, चलो नंबर नहीं पता। तो F2 देखो, F2 जो है, F2 का क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद सिग्मा 2pz2, देन पाई 2px1, सॉरी पाई 2px2 एंड पाई 2py2। इसके बाद में क्या था, पाई स्टार था। अब पाई स्टार में अभी एक एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन F2 में दो इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो उसकी वजह से दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो पाई स्टार 2px2 एंड पाई स्टार 2py2, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अभी F2 में ऐसे रहेगा, तो ऐसा होने की वजह से दो इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, तो ऐसा हो जाएगा ना, समझ आया नहीं आया। तो F2 के केस में ऐसा आएगा, तो फिर क्या होगा, तो उसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, यहां पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ओके, डायमैग्नेटिक हो गया। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स, ओके, बॉन्डिंग में सिक्स इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, चार, ओके, एंटी बॉन्डिंग में पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, अभी दो और बढ़ गए, तो चार डिवाइड बाय टू, तो कितना आया, थ्री आया, ओके। सो ये F2 का है। इसी टाइप से नियॉन का भी हो जाएगा, Ne2 का भी। तो Ne2 में अगर तुम देखोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सॉरी ये वन था, तो सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद में सिग्मा 2pz2 एंड देन पाई 2px2 पाई 2py2, इसके बाद में पाई स्टार आ गया, पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2, ये इतना फ्लोरीन वाला हो गया। तो Ne2 में क्या, दो इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, सिग्मा स्टार में जाएंगे, तो सिग्मा स्टार 2pz2। तो अभी बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग में सिक्स इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में सिक्स इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय टू, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, जीरो। एंड यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये क्या होगा, दिस इज डायमैग्नेटिक, ओके, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, क्लियर है सभी को। यस, O2 पैरामैग्नेटिक था क्योंकि O2 में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, देखो O2 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, दैट्स वाई वो पैरामैग्नेटिक था। हो गया सबका, तो मेनली ये हमारे पास डायग्राम रहता है जो हमने अभी बनाया और लिखा है। बट B2, C2 और N2 में, B2, C2 और N2 में क्या है, एक्सेप्शन है,
ठीक है, तो क्या एक्सेप्शन है? तो देखो अभी बी टू सी टू एन टू की बात करते हैं, तो बी टू सी टू और एन टू में देखो क्या है, तो हमारे पास ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसमें किसका एनर्जी कम था? अभी हमने किसका एनर्जी कम लिया था? सिग्मा टू पी जेड का एनर्जी कम था, था कि नहीं था? लेकिन बी टू सी टू और एन टू में पाई का एनर्जी कम होता है और सिग्मा का एनर्जी ज्यादा होता है। बी टू सी टू और एन टू में पाई का एनर्जी कम है और सिग्मा का एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। ये कैसे पता चला? ये पता चला एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्योंकि अभी देखो अच्छा अब देखो क्या है, ये हमारे पास है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल बी टू में, 2p में दोनों 2p मिला के दो इलेक्ट्रॉन हुए, तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो अगर सिग्मा नीचे होता तो दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा में होते ना, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में होते? सिग्मा में। तो डायमैग्नेटिक होता कि पैरा होता? दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा में होते तो क्या हो जाता? डायमैग्नेटिक हो जाता। लेकिन b2 जो है डायमैग्नेटिक नहीं होता, पैरामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? क्योंकि यहां पर पाई का जो एनर्जी है वो सिग्मा से कम होता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। तो एनर्जी में पाई नीचे रहता है और सिग्मा जो है ऊपर रहता है। तो पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, याद रखना ये किसके लिए है? बी टू सी टू और एन टू के लिए ये डायग्राम आएगा, बाकी सबके लिए जो पहले वाला हमने डायग्राम बनाया वो होगा। ओके, तो क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन? यस, ये एक्सेप्शन जो है बी टू सी टू और एन टू, बी टू सी टू और एन टू में ही ये एक्सेप्शन रहता है एनर्जी का। तो सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू, देन सिग्मा स्टार टू एस टू के बाद में क्या है? पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। ओके, और दोनों में कितना इतना इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है? दिस इज पैरामैग्नेटिक। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? तो बॉन्ड ऑर्डर में देखेंगे तो क्या आएगा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। एंटी बॉन्डिंग में जीरो डिवाइड बाय टू, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? वन आएगा। ओके, सो ये एक्सेप्शन कहां कहां पर होता है? बी टू सी टू एंड N2, जो हमने नहीं बनाए थे, हमने डायरेक्ट O2 पे गए थे। क्यों? क्योंकि हमने बोला था B2C2 और N2 जो है उसमें एक्सेप्शन रहेगा। ओके, सो ये एक्सेप्शन वाले केस है। चले आगे, हो गया सबका? रोहन, ये एक्सपेरिमेंटली मिला था जैसे मैंने तुम्हें बताया। पैरामैग्नेटिक जो है, मतलब वैसे क्या आना चाहिए था? डायमैग्नेटिक आना चाहिए था, बट ये क्या मिला? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक मिला मतलब क्या है कि पाई का एनर्जी कम है और सिग्मा का ज्यादा है।
यस सो इन रेस्ट 2pz कम्स डाउन बट इन दीज एक्सेप्शन पाई कम्स डाउन. ठीक है आगे चलें. तो बी टू में एक्सेप्शन है, एन टू और सी टू में भी एक्सेप्ट, सॉरी सी टू और एन टू में भी एक्सेप्शन है. तो सी टू की अगर हम बात करेंगे तो सी टू में भी ऐसा ही है, सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू. एंड सिग्मा स्टार टू एस टू के बाद में क्या है, सिग्मा स्टार टू एस टू के बाद में क्या लेंगे, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई. दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा. ठीक है तो पाई टू पी एक्स टू एंड पाई टू पी वाई टू. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए ना, तो इट इज डायमैग्नेटिक. इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्डिंग में चार इलेक्ट्रॉन हो गए, एंटी बॉन्डिंग में जीरो इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय टू तो बॉन्ड ऑर्डर टू आएगा. सिमिलरली एन टू का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एन टू में सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू. ठीक है यहां तक तो बात ही हो गई खत्म. अब इसके बाद देखो क्या है, नाइट्रोजन में क्या होता है, टू पी थ्री और टू पी थ्री होता है ना, तो टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गए. ओके दिमाग में क्या वो देखना है तुम्हें, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 3-3 होते हैं ना, दो नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किस में हो जाएंगे, बॉन्डिंग में हो जाएंगे. कैसे, पाई नीचे होता है सिग्मा ऊपर होता है. ओके तो पाई नीचे और सिग्मा ऊपर, मतलब सिग्मा का एनर्जी ज्यादा और पाई का एनर्जी कम. तो ये आ गया हमारे पास एन टू का. तो एन टू जो है इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये भी क्या है, डायमैग्नेटिक है. एंड बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3. क्लियर है सभी को. तो इस टाइप से हम एमओटी को यूज करके बॉन्ड ऑर्डर वगैरह देखेंगे. यस एमओटी ओवर हो गया, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं अलग से. इतना ही याद रखना है स्ट्रक्चर सम्यक जितना हमने अभी बताया है. ओके एनई टू तक याद रखना है बस. यस दीज थ्री आर एक्सेप्शंस. ठीक है बी टू सी टू और एन टू जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है. बाकी सब में सिग्मा का एनर्जी नीचे और पाई का, मतलब सिग्मा का एनर्जी कम और पाई का ज्यादा है, बट बी टू सी टू और एन टू में पाई का कम है और सिग्मा का ज्यादा है. ओके तो एमओटी वैसे हो गया, बट एक एग्जांपल और ले लेते हैं. एक एग्जांपल मतलब क्या है कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी of O2, O2 negative and O2 2 negative. ठीक है इन तीनों का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना, कैसे करोगे. ठीक है तो देखो तीनों का तुम्हें क्या है, O2 O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. किससे यूज करके, MOT को यूज करके. तो बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या है, O2 का क्या था, देखो
दिमाग में, मैंने क्या बोला, दिमाग में करना है तुम्हें, है ना। तो दिमाग में कैसे करोगे, ऑक्सीजन में कितना होता है यार, ऑक्सीजन में चार चार होगा ना, पी में, दोनों पी में चार चार, तो टोटल आठ हो गए। आठ में से नीचे कितने आएंगे, सिक्स, ऊपर कितने आएंगे, दो। ऐसा ही तो कर सकते हो ना, इस टाइप से कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो कितना आ जाएगा, सिक्स माइनस टू बाय टू, कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर, टू हो गया। अब O2 नेगेटिव में क्या एक इलेक्ट्रॉन कम है, O2 नेगेटिव में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसमें क्या होगा, एक साइड चार और एक साइड तीन इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक साइड पांच और एक साइड चार ले लिया, ठीक है। तो टोटल नाइन इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइन में से नीचे कितने रहेंगे, सिक्स, ऊपर कितने रहेंगे, थ्री। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, सिक्स माइनस थ्री बाय टू, दैट इज 1.5। इसी टाइप से इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, O2 टू नेगेटिव में, मतलब 2p5 हो गया एक तरह से, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, 10 में से नीचे 6, ऊपर 4, तो क्या आया, 6 माइनस 4 बाई टू, दैट इज 1। कर सकते हो नहीं कर सकते, ऐसे तो कर सकते हो ना, ये मैं यहां पर तुम्हें लिख के बता रहा हूं, ये इसको दिमाग में करना है तुम्हें, ओके। तो अब देखो बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो बॉन्ड लेंथ आ ही जाएगा ना यार। बॉन्ड ऑर्डर का क्या ऑर्डर है हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा है O2 में, फिर उससे कम है O2 नेगेटिव में, और सबसे कम है O2 टू नेगेटिव में। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें पता है तो बॉन्ड एनर्जी का भी यही ऑर्डर हो जाएगा, है ना, जो बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है वही बॉन्ड एनर्जी का भी हो गया। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा ना, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ। ओके अच्छा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बता सकते हैं ना, याद है यहां पर इलेक्ट्रॉन किस में होता था, पाई में होता था ये, है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन किस में होते थे, पाई स्टार में होते थे, तो पाई स्टार में होते थे, तो इसकी वजह से ये क्या है, पैरा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अभी दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये भी पैरा। व्हाट अबाउट दिस, ये फोर इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर्ड हो गए, तो ये क्या हो गया, डाई हो गया। क्लियर है क्या, तो O2 पैरा है, O2 नेगेटिव भी पैरा है, बट O2 टू नेगेटिव क्या है, डाई है। ओके क्लियर है सभी को, तो लेक्चर ओवर करें, समझ आया, कर सकते हो ना अभी बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ वगैरह कंपेयर। रोहन मैंने बताया है कि यार डाई मैग्नेटिक के लिए ही एप्लीकेबल है, O3 में यहां से नहीं बता सकते। ओके O3 का तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर तो मैंने बता ही दिया ना यार, O3 में थोड़ी देर पहले ही आज रेजोनेंस से बताया ना, ओजोन में 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है, तो उसका ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर से तुम कंपेयर कर सकते हो बॉन्ड लेंथ, बट O3 जो है वो रेजोनेंस से, सॉरी ये MOT से नहीं आएगा। ओके O3 का बॉन्ड ऑर्डर कहां से आया, रेजोनेंस से आया, तो रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर पता है, इनसे कंपेयर कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर को। यस मर्विन, हम एनायन के लिए और कैटायन के लिए कर सकते हैं, बट डायमैग्नेटिक होना चाहिए, जैसे यहां पर O2 नेगेटिव और O2 टू नेगेटिव का किया, वैसे ही O2 पॉजिटिव में भी निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, O2 टू पॉजिटिव में भी निकाल सकते हो, ठीक है। यस रिया, बॉन्डिंग, अब देखो क्या है, जैसे जैसे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे रिया, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता जा रहा है ना,
तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो मतलब स्टेबिलिटी भी कम हो रही है, ओके। सो बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा। ओके एंटी बॉन्डिंग जो है वो उसको लेस स्टेबल कर देगा, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो लेस स्टेबल करेगा उसको, ठीक है। होमवर्क जो है ऑब्वियसली अभी जो अप्रैल बैच वाले हैं और अप्रैल मई और जून बैच वाले जो हैं वो फुल बुकलेट कर सकते हैं, ओके। अप्रैल मई एंड जून बैच वाले फुल बुकलेट कर सकते हैं, बाकी लोग जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा बाकी कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी बचा हुआ है तो जिनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ के बाकी बचा हुआ बुकलेट कर लें। एंड अभी अप्रैल जून, अप्रैल से जून वाले बैचेज का सब हो गया है तो वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सो लेक्चर एंड करते हैं।